हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतिज टॉक। गाइस, आपको पता है 2022 में ये पहला ऐसा यूनिकॉर्न था जिसने दो साल में अपने रेवेन्यू को 100x कर दिया था। ऐसे मामा अर्थ को एक कपल ने फाउंड किया था, वो भी अपने बच्चे की केयर के लिए। वो काफी ज्यादा परेशान थे कि इंडिया में ऐसा कोई भी बेबी केयर प्रोडक्ट नहीं है जो बिना टॉक्सिन के प्रोडक्ट्स बनाता हो, इसीलिए वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाया करते थे। बाहर से सेंस आउट ऑफ इंडिया मंगा तो लिया करते थे, पर इसकी कॉस्ट और डिलीवरी दोनों में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। कॉस्ट फिर भी एक बार कॉम्प्रोमाइजेबल हो सकती है, बट डिलीवरी उनकी काफी ज्यादा लेट हुआ करती थी और इसी चीज से वो काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। फिर उन्हें ही लगा कि जिस तरीके से वो काफी ज्यादा परेशान है इन प्रोडक्ट्स को लेके, कि कोई कितने सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बेबी को टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स ही देना चाहते होंगे, और काफी सारे लोग तो यहाँ जानते भी नहीं होंगे कि वो अपने बेबी को टॉक्सिन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और इसी की रिसर्च करते करते उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना खुद का प्रोडक्ट, अपनी खुद की कंपनी मामाअर्थ। और अभी के टाइम में इनके 5 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स है और इनकी डिलीवरी 30,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर है। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है। कुछ लोग होते हैं उसी प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं या फिर वो प्रॉब्लम में भूल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसका सोल्यूशन निकालते हैं और उस सोल्यूशन को एज अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तभी तो कुछ होगा। ऐसे ही गजल और उनके हस्बैंड ने उस प्रॉब्लम को एज अपॉर्चुनिटी लिया और 2016 में अपना प्रोडक्ट और कंपनी लॉन्च कर दी। इसीलिए हमेशा सिर्फ आइडिया पर फोकस नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए, तभी तो आप उसके सोल्यूशन को एज अपॉर्चुनिटी ले पाओगे और तभी आपका कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मामाअर्थ आज ग्रो करे जा रहा है। उन्हें सबसे पहला है यूनिकनेस। उनका सबसे पहली यूनिकनेस ये है कि वो टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली। दिस इज द ओनली ब्रांड विच इज मेड सेफ सर्टिफाइड। ये ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट सेफ्टी को मेजरमेंट देता है। इनकी बड़ी सही मार्केटिंग है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अपने रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेट 20% सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। अब शुरू में तो मामाअर्थ के पास इतना रेवेन्यू ही नहीं था कि वो इतना ज्यादा अपने मार्केटिंग पे खर्च कर सके, तो उन्होंने ऑडियंस मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऑडियंस मार्केटिंग इज लाइक उन्होंने ऐसे पेरेंट्स को सर्च करना स्टार्ट कर दिया, लाइक जो न्यूली पेरेंट्स और टू बी पेरेंट्स होते हैं वो बेबी के आने से पहले और बेबी के आने के बाद भी इंटरनेट पर बहुत सर्च करते हैं कि बेबी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ना उनके पास कोई न्यूज थी और ना ही उनके पास कोई दादी के नुस्खों को अप्लाई करने का इतना टाइम होता है, और उन्होंने इसी साइकोलॉजिकल बिहेवियर को टारगेट किया। इसे ही तो कहते हैं मार्केटिंग। लाइकवाइज उन्होंने ऐसे पेरेंट्स को टारगेट किया जो कि अपने बेबी को टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, और इन्हीं ऑडियंस को उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट किया, लाइक ब्लॉग्स और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। अवेयरनेस प्रोग्राम भी उन्होंने चलाया, और वैसे भी सबसे अच्छी मार्केटिंग वही होती है जो कस्टमर को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे और उन्हें एजुकेट करे। और अब ये बिग बॉस जैसे बड़े बड़े शोज पर अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनकी ब्रांड एम्बेसडर भी शिल्पा शेट्टी है, जो कि इनकी इन्वेस्टर भी है, और अराउंड $2.5 का इन्वेस्ट शिल्पा शेट्टी ने भी मामाअर्थ में किया है। और अब मामाअर्थ भी अपने रेवेन्यू का 30-40% एडवर्टाइजमेंट पर ही खर्च करता है, इसलिए तो इतना आगे और इतना पॉपुलर है। पहले जब इन्होंने लॉन्च किया था तब ये सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, बेबी केयर कैटेगरी में भी इनके सिर्फ 6 प्रोडक्ट हुआ करते थे। ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड है जिन्होंने स्टार्ट किसी और से किया बट आगे किसी और पे गया और उनका रेवेन्यू दूसरा जो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया उससे ज्यादा आने लगा। सेम वे इनके साथ भी यही हुआ। अभी इन्होंने अपने ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो इनका जो बेबी केयर कैटेगरी है उससे तो 20% की अर्निंग हो रही है, और जो पर्सनल और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स है इनको 80% अर्निंग हो रही है। नाउ दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड ग्लोबली। तो लोग जब तक अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते तो लोग या तो भूलने लगते हैं या फिर कहीं और स्विच करने लगते हैं, है कि नहीं? सेम वे प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। मामाअर्थ का पहले सारा प्रोडक्ट का रेवेन्यू सिर्फ ऑनलाइन सेल्स के थ्रू होता था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन शॉपिंग में ही बिलीव करते हैं। भाई, जब प्रोडक्ट आपके सामने ही नहीं होगा तो लोग स्विच तो करेंगे ही ना, इसलिए उन्होंने काफी सारे स्टोर्स पर अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके कुछ कॉन्टैक्ट शॉपर स्टॉक से भी है। सिर्फ लॉकडाउन में मामाअर्थ की 400% से भी ज्यादा ग्रोथ है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे लोग ज्यादा ही हर्बल हो रहे थे, इको फ्रेंडली हो रहे थे। पहली बात तो कि वो इको फ्रेंडली था, इसलिए लोगों ने वो मंगवाना स्टार्ट कर दिया यूनिकनेस की वजह से। सेकंड चीज कि उनके स्टोर्स ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो उनकी मार्केटिंग ऑनलाइन और ज्यादा होने लगी। इसलिए हमेशा यूनिकनेस, राइट टारगेटेड ऑडियंस और राइट टाइम हमेशा वर्क करता है। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।